नमस्कार, मैं राकेश भारती सेन इस वक्त खड़ा हूँ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा विधायक गोपाल कांडा जी के निवास स्थान के मुख्य द्वार के ऊपर, जहाँ पर किसानों ने ये घोषणा पहले ही कर दी थी कि वो मौजूदा विधायक सिरसा के निवास स्थान का घेराव करेंगे, और उसी कड़ी में आज ये किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। ये प्रशासन का भारी बंदोबस्त भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये किसानों की जो तादाद है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि सिरसा के अंदर किसान आंदोलन में जो फूट पड़ी है उसका असर किसान आंदोलन के ऊपर कहीं ना कहीं बुरा पड़ रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन किसानों का जो हौसला है, काबिले जिक्र है कि किसानों का जो हौसला है वो बरकरार है, और वो किसी भी हालत में भारत सरकार के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा जी के निवास स्थान से, जो सिरसा के मौजूदा विधायक भी हैं। ये बिल्कुल, ये किले नुमा जो महल है वो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा जी और वर्तमान जो विधायक सिरसा से हैं उनका निवास स्थान है, जहां पर किसान यहां पर घेराव करने के लिए आए थे, लेकिन संख्या में कम होने की वजह से यह घेराव धरने में बदल गया है। आइए हम इस धरने की अगुवाई कर रहे भट्टी साहब से कुछ सवाल पूछते हैं। भट्टी साहब, सिरसा के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें किसानों की जो आपसी फूट है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है, लेकिन खबर छन छन के आ रही है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप दोनों में किसी तरह की कोई मध्यस्थता करवाने का प्रयास कर रही है। देखो, कहीं भी कोई थ्रेड आए उसको मिटाने की कोशिश हर आदमी करता है, और यहाँ भी जो महापुरुष हैं उनका तो फर्ज भी बनता है, हमारे बड़े हैं, हम उनको महापुरुष मानते हैं। चल रही है बात होगी, हम मानते हैं, जो ऐसी भी बात होगी हम उनको हमको मानेंगे, ऐसी बात नहीं। तो आपको लगता है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? हम तो पहले ही ये उम्मीद रखते हैं, और ना ही हम किसी से रूठे हैं, हमसे कोई रूठा तो हम तो ये कहते हैं जो जिन्होंने भी गलत किया है उसको एहसास कराना, एहसास हो गया। पक्का मोर्चा के माध्यम से जो भगत सिंह स्टेडियम के अंदर जो धरना चल रहा है उसका जो मुख्य लोगो है वो यही है कि दुष्यंत और रंजीत सिंह कुर्सी छोड़ें। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो उनका धरना है राजनीतिक हो गया, और किसानों के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो गए हैं? राजनीतिक और गैर राजनीतिक तो हम खेल लेंगे ना, वहाँ यही नहीं पता नेता कौन है जी। अभी तो वहाँ ये नहीं पता, अभी नेतृत्व कौन कर रहा है उनका। लेकिन तादाद किसानों कभी एक की नेतृत्व आता है वो भाग जाता है, वो बाहर से जाके बयान जारी करता है भी, मैं तो और आदमी इकट्ठे करने के लिए बाहर गया हूँ। किसान कहते हैं वो तो चला गया, जितेंद्र यादव तो चला गया, वो कहता है मैं बाहर से आदमी इकट्ठे कर रहा हूँ। यहाँ अलग 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 नेता अलग अलग बयान दे रहा है जी, तो किसकी मानोगे आप? किसानों की तादाद की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो पक्का मोर्चा है वो आपसे कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि कहीं आपकी संगठनात्मक शक्ति में कुछ कमी आपको लग रही है? हमारा कोई वोट इलेक्शन का काम नहीं है, हम ये वोट इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम किसानों की बात कर रहे हैं, जुलाई से कर रहे हैं, और कभी इसी जुलाई से लेके आज तक आपने नहीं देखा होगा कि हमारे साथ हमने कोई इलाकों में कभी संख्या में कट किया हो, हमने कभी इकट्ठे करने के लिए कोई कलाकार बुलाए हो। हमारे पास आते हैं तो ऐसे ऐसे नेता आते हैं, सेवा सिंह जी आर्य वर्गे, जिन्होंने आज जो लेक्चर दिया है वो कोई कलाकार नहीं दे सकता किसान का लेक्चर ऐसा। हमारे पास कल भी आए थे और नाम से चडूनी जी आए थे, जो लेक्चर वो दे सकते हैं किसान के लिए, जो बात कर सकता तो वो किसान का नेता कर सकता है। हमारे पास इकट्ठे में क्या, ये सभी के सभी कि जितना चाहो उतना इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठे करेंगे
आपको भी दिखेगा जिस दिन दिल्ली जाएंगे ना, इकट्ठे भी करेंगे 10 लाख लोग दिल्ली में, 10 लाख किसान दिल्ली में इकट्ठे करने हैं, और वो किसान इकट्ठे करने हैं जो पतंगे हो दिए पे जाएंगे, हक लेके वापस आएंगे जहाँ वहाँ मरे। भट्टी साहब, कहीं ना कहीं इस आंदोलन का जन आंदोलन बनना जरूरी है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कृषि के उपभोक्ता हैं, पूरा देश कृषि उपभोक्ता है, कालाबाजारी को लेकर आपको कहीं ना कहीं डर है कि ये कालाबाजारी इन विधेयकों के बाद कालाबाजारी को कहीं ना कहीं कानूनी संरक्षण मिलने का डर भी है? पूरे का पूरा संरक्षण दिया गया कालाबाजारी के लिए, जब स्टॉक सीमाएं तोड़ दी, अधिकार ही घुस लिया उन आदमियों को, अधिकार दे दिया उन कंपनियों को, अधिकार दे दिया उन बड़े घरानों को, अधिकार दे दिया भी जितना मर्जी स्टॉक करो। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में एक बार प्याज पे स्टॉक सीमा तोड़ी थी, तराहे तराहे होगी, सैकड़ों रुपये किलो प्याज हो गया, आलू पे थोड़ी दो पे वहाँ ख़त्म हो गया। अगर किसी भी चीज़ पे एक बार उन्होंने खंड का दूध का शुगर का इसके लिए भी करके देख लिया तजर्बा, दालों पे भी करके देख लिया तजर्बा, और जहाँ स्टॉक सीमा तोड़ दी व्यापारी को, स्टॉक सीमा तोड़ने के बाद व्यापारी को 90% प्याज पे पैसा देती है, व्यापारी का पैसा 10% लगता है, सरकार 90% देती है। तो अब तो जो इन्होंने व्यापार शुरू किया है उसके लिए गोडाउन भी हमारे, जैसे रेल बेची है, पटड़ियाँ हमारी जनता के पैसे से बनी हुई रेल पर पटड़ियाँ, स्टेशन हमारे रेल अडानी की क्या बात हुई, अडानी आपकी रेल पटड़ियाँ बनाए, अपनी रेल के लिए स्टेशन बनाए, अपना स्टाफ रखे, वो तो ही बात, हमारा जनता का पैसा ऐसे लुटा रहे हैं जैसे इनको पता नहीं कैसे हल्दी की कंडी नहीं आसन लगी इनके। बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं अड़िग है अपने फैसले पर, सड़क की लड़ाई के साथ क्या कोई आप कानूनी लड़ाई भी लड़ने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं आगे? कानून के हम सदा साथ रहे हैं, मगर ये कानून को कानून रहने देने वाली सरकार नहीं, सरकार कानून को नहीं मानती, किसान मानता है, आम जनता मानती है। ये रात को कानून बदलते हैं, रात को फैसला कुछ होता है, दिन को फैसला कुछ होता है, रात को कुछ बनवा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश जारी करवाते हैं फैसले नहीं होते वहाँ इस टाइम। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर तो आंदोलन काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आपको कमी लगती है एक बड़ा मंच राष्ट्रीय स्तर पर भी किसान आंदोलन का होना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जल्दी एक दिल्ली में बड़ी मीटिंग होने वाली है, अभी तक स्टेटों तक ये आंदोलन चला है, स्टेटों में भी कुछ डिस्ट्रिक्टों में चला है, आम लोगों तक तो ये सरकार का इतना ज़्यादा प्रचार है वो इस बात को जाने नहीं देते। अब वो बात हर किसान तक पहुंच चुकी है, हर किसान के बच्चे को पता भी, तेरा अधिकार छीन लिया गया है, इसके बाद तो जमीन का मालिक नहीं रहेगा, समर्थन मूल्य नहीं रहेंगे, मंडियां नहीं रहेंगी, अब किसान को पता चला तो हर किसान जाग गया है, दिल्ली जाएगा 26/11 को, दिल्ली में 10 लाख किसानों का कम से कम कट होने वाला, हो सकता है ज़्यादा गिरती हो जाए। कल 16 तारीख है और आपने घोषणा की है कि आप बिजली मंत्री रंजीत सिंह के घर के ऊपर भी ऐसा ही कोई धरना देने वाले हैं। बिल्कुल, 12 तारीख को जो 2 साल से हमारे पैसे बिजली बोर्ड ने ले रखे, हम उनकी डिमांड करेंगे, 5% ब्याज पे हमें लाती है, ब्याज लाता है बिजली बोर्ड, हम भी 5% ब्याज के साथ हमारा पैसा जमा किया जाए और जल्द से जल्द ट्यूब लगा के कनेक्शन दिया जाए। तो ये बिजली मंत्री के घर पे जो धरना है वो कल होगा, और जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के घर के सतारा को होगा। जी हाँ, ये थे इस धरने की अगुवाई कर रहे भट्टी साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे विभिन्न सवालों के ऊपर। हाँ जी, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा विधायक गोपाल कांडा के निवास स्थान के आगे, जहां किसानों ने धरना दिया है। विभिन्न सवालों के ऊपर हमने भट्टी साहब से जवाब जाने, और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। खबर सब अब तक और मोर्चा न्यूज़ के ऊपर।
हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लगातार जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसकी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन का भारी बंदोबस्त, हालांकि यह जो धरना है वो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें खबर सब अब तक और मोर्चा न्यूज़ के माध्यम से आप हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा विधायक गोपाल कांडा जी के निवास स्थान से देख रहे हैं।